बाल कवि बैरागी जी के साथ अपनी यात्रा स्थापित करने वाले महाकाल की नगरी का वो शूर शिरोमणि जो मोहन सोनी के नाम से जाना जाता है, जिसके जो खुद तो कभी पार्लियामेंट में नहीं गया लेकिन उसकी पंक्तियां पार्लियामेंट में पढ़ी गई, संसद में मैदान में कई कई सांसदों ने उनकी पंक्तियों को उल्लेखित किया और वो पंक्ति ये थी कि एक सांप ने एक नेता को डसा, नेताजी मजे में, सांप चल बसा। ऐसे व्यंग को उठा करके चलने वाले कवि जो महाकवि शिवमंगल सिंह सुमन की उन पंक्तियों को सार्थक करते हैं कि मैं क्षिप्रा सा ही सरल सरल बहता हूं, मैं क्षिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूं, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूं, मुझको न मौत भी भय दिखला सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूं। महाकाल की उस नगरी से आए हुए भाई मोहन सोनी का आह्वान, आए और अपनी वाणी का प्रसाद वितरित करें। आदरणीय मंच और इस परिसर में बैठे हुए समस्त श्रोताओं दोनों को प्रणाम करता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद सुरेंद्र जी शर्मा के सानिध्य में आज कविता पाठ करने का मौका मिला है। यह आखिरी समझो, मैं दादा बाल कवि बैरागी चले गए, उनके लिए पहले कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप मुझे इजाजत दीजिए। निवेदन किया है कि तुम क्या गए कि मन का सब उल्लास ले गए हो, सबके जीवित होने का आभास ले गए हो, चारों तरफ भीड़ है फिर भी सूना सूना है, और यह तन जैसे प्रदर्शनी में रखा नमूना है, हमें पंख देकर सबका आकाश ले गए हो, सबके जीवित होने का आभास ले गए हो। आदरणीय दादा बाल कवि बैरागी, मालवी से उठे और हिंदी पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। मालवी की पहले कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। निवेदन किया है कि दो अफीम की करी यथा बात के नेता उनकी कितनी बड़ी थी जमात, क्यों रे कदे अपन भी हुई जाता नेता, और अफीम के पिन्नक में अपन बैठिया ज रहता, और पिन्नक को फोटो कदे अखबार में छप दो तो छापने वालों को हेडिंग कर रख दो। दो अफीम की, ध्यान देना, व्यंग पकड़ने की कोशिश करना, दो अफीम की करी रहा था बात के नेता उनकी कितनी बड़ी की जमात, क्यों रे कदे अपन भी हुई जाता नेता, ने अफीम के पिन्नक में अपन बैठिया ज रहता, और पिन्नक को फोटो कदी अखबार में छप दो तो छापने वालों को हेडिंग कह रख दो। इतना भी नहीं समझ दू अरे राम दीन, हेडिंग छप दो राष्ट्र की चिंता में लीन। ये एक मालवी की वानगी थी। और निवेदन कर दूं कि जब आप अपना मनपसंद सीरियल देखने के लिए टीवी का बटन ऑन करते हैं तो आपकी ये मजबूरी है कि सीरियल शुरू होने के पहले आपको 5-25 विज्ञापन देखना पड़ते हैं, जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है वो आप देख चुके हैं। सीरियल देखने के बाद हर व्यक्ति समाचार जरूर सुनता है।
मैं कुछ समाचारों से आपको जोड़ना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्र से लेकर समाज तक, राष्ट्र से लेकर समाज तक खबरें बहुत है, देखते रहिए आज तक। राष्ट्र से लेकर समाज तक खबरें बहुत है, देखते रहिए आज तक। खबर है, खबर है कि एक भ्रष्ट नेता को सांप ने डसा, नेताजी मजे में सांप चल बसा, नेताजी मजे में सांप चल बसा। ये सुनकर सपेरा मुझे डांटता है, कहता है कि एक सांप कभी दूसरे सांप को नहीं काटता है, लेकिन नेता के काटे का नहीं है इलाज तक। खबरें बहुत है, देखते रहिए आज तक। यदि मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो मुझे पता चलना चाहिए। मैंने ये तो नहीं बताया था कि कैसे पता चलना चाहिए, लेकिन आप सब समझदार, बुद्धिमान और कविता के रसिक हैं, इसलिए फिर और एक खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। राष्ट्र से लेकर समाज तक खबरें बहुत है, देखते रहिए आज तक। खबर है कि एक नेता ने मंच पर से कहा कि कोई मत डरो, मेरे साथ साथ तुम सब विचार करो कि 10 पैसे में गरीबों को भरपेट खाना, 2 रुपए के 10 किलो गेहूं भी मंगाना, मटकों में पानी सी घी की भरमार, 500 रुपये में आप पाएंगे कार, 10 रुपए महीने में पक्का मकान, कॉलेज में मुफ्त मिले बच्चों को ज्ञान, सोना 20 रुपए तोला। तो जनता में से एक श्रोता बोला कि हुजूर, ये व्यवस्था आपने कहां दिलवाई है? नेता ने उदासी से कहा, कल्पना करने में क्या बुराई है। वाह, कल्पना करने में क्या बुराई है, ये बात कहने में। राजनीति पहुंच गई है कोर से खास तक, खबरें बहुत है, देखते रहिए आज तक। खबर है कि एक ग्राहक एक दवाई की दुकान पर आया, दुकानदार ने अपना सिर उठाया, बोला फरमाइए। ग्राहक ने कहा, हुजूर मुझे हिचकियां बंद होने की दवा चाहिए। ग्राहक ने कहा, हुजूर मुझे हिचकियां बंद होने की दवा चाहिए। इस पर दुकानदार ने ग्राहक को कस के दिया चांटा, तो ग्राहक ने दुकानदार को बुरी तरह डांटा। दुकानदार बोला कि भाई साहब आप नाराज मत होइए, इसमें एक राज है और हिचकियां बंद होने का झापट सही इलाज है। हिचकियां बंद होने का झापट सही इलाज है। इस पर फिर ग्राहक बोला कि यार आपको क्या जल्दी छा रही थी, अरे हिचकियां तो घर पर मेरी बीवी को आ रही थी, हिचकियां तो घर पर मेरी बीवी को आ रही थी, मुझे दवाई ले जाना थी अपनी मुमताज तक। खबरें बहुत है, देखते रहिए आज तक। और एक खबर देखिए, राष्ट्र से लेकर समाज तक खबरें बहुत है, देखते रहिए आज तक। खबर है कि एक ठाकुर साहब को पंडित जी बाजार में मिले, ठाकुर साहब ने चरण छुए तो पंडित जी खिले। ठाकुर साहब बोले कि पंडित जी आओ मेरे साथ, तुम भी एक पौवा चढ़ाओ। तो पंडित जी ने ठाकुर की शंका के निवारण दारू नहीं पीने के बताए 3 कारण। पहला तो ये कि अपने धर्म में मनाई है, दूसरे मैंने नहीं पीने की कसम खाई है, और तीसरा कारण इसलिए धीरे बता रहा हूं कि एक दोस्त के यहां से पी के आ रहा हूं। वाह। तीसरा कारण इसलिए धीरे बता रहा हूं कि एक दोस्त के यहां से पी के आ रहा हूं। दारू तो पिलाई पर खिलाया नहीं प्यास तक। खबरें बहुत है, देखते रहिए आज तक।
वाह 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 वाह।